अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन करामी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल एक वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दो दिन पहले एक वीडियोस वायरल हो रही थी जो कि आसिया खट्टक का बताया जा रहा था, लेकिन दोस्तों हम आपको बताते चलें कि सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम किसी की गलती पर पर्दा डालोगे तो मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालता रहूँगा। तो दोस्तों मेन जो चीज़ है वो वीडियोस जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो इतनी नज़ेबा है कि उसका हम आपको पिक्चर तक नहीं दिखा सकते। दोस्तों वो वीडियोस हम आपको इसीलिए नहीं दिखा सकते हैं कि कुछ कम्युनिटी होती है और किसी की इज़्ज़त रखने की खातिर। उसके बाद अगली बात ये है, वो वीडियोस स्वात की एक डांसर है मशहूर पश्तो फिल्मों की, उसकी है लेकिन उसकी भी नहीं है। आजकल एक ऐसे फिल्टर ऐप चले हुए हैं कि किसी का चेहरा नीचे वीडियोस कुछ और होगी, ऊपर आप किसी का भी चेहरा उस पर ऐड कर दें तो वो वीडियोस आप किसी की भी बना सकते हैं और किसी को भी जलील कर सकते हैं और किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं। जैसा कि आजकल आपने टिकटॉक पे देखा होगा, लीडरों के ऊपर जो चेहरे होते हैं वो लीडरों के लगा दिए जाते हैं और नीचे उनके जो बॉडीज़ होती हैं वो किसी और की होती हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जिस सिंगर लड़की की भी थी या गाने वाले की जिसकी भी, आप लोगों को और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पहले तो उसने ये गलती नहीं की है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन जो वार है वो इस तरह की वार नहीं है, वो हर किसी की इज्जत उछाली जा सकती है। फिफ्थ जनरेशन का मतलब ही यही होता है सोशल मीडिया वार। सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि किसी की भी इज्जत को जनाजा निकाल सकता है। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे घर में या आपके किसी के घर की औरत का फेस इस तरह वीडियोस उठाकर नीचे कुछ भी बनाया जा सकता है तो कुछ मुश्किल नहीं है इस दौर में किसी की इज्जत उछालने के लिए। तो दोस्तों खुदा रहे ऐसी वीडियो से ग्रेज करें, किसी की इज्जत उछाली जाए। आप अगर आज किसी की गलती पर पर्दा डालते हैं तो अल्लाह कल आपकी इज्जत बचाएगा, आपकी इज्जत रखेगा। इज्जत उछालना कोई बड़ी बात नहीं होती है किसी की। लेकिन दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त।